एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रेव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की। CPEC का नाम आपने सुना होगा, जिसके तहत कुछ $67 बिलियन के प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, बना रहा है। उसी में एक कंपनी है जो कि चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है, जो कि चाइनीज कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक सब्सिडरी है और इसके द्वारा कई प्रोजेक्ट इस जो CPEC के तहत हैं उसमें करवाए जा रहे हैं। उसने पाकिस्तान को एक अनसिक्योर जगह कहा है और ये कहा है कि पाकिस्तान में भी जहां पर उनका CPEC का हेडक्वार्टर है वहां से चेंज कर लेना चाहिए। उनका ये भी चीज कहना है कि यहाँ के लोकल लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के इलाका। यहाँ पर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है, सिक्योर वातावरण नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है और पाकिस्तान को एक हाई रिस्क कंट्री में उन्होंने लेबल किया है, यानी कि हाई रिस्क कंट्री कहा है पाकिस्तान को। एक और चाइनीज कंपनी है चाइनीज शिप बिल्डिंग ऑफशोर कॉरपोरेशन। उसने कुछ 8 चीजें पॉइंट आउट की हैं जो कि गड़बड़ हैं और इसके तहत वो भी पाकिस्तान से दूर जाना चाहती है या अपनी सरकार को कह रही है कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए। उसने जो 8 चीजें मेंशन की है उसमें इमरान खान गवर्नमेंट की इनस्टेबिलिटी को कहा गया है, सोशल इनस्टेबिलिटी कहा गया है टेररिस्ट अटैक के कारण, इकोनॉमिक अनिश्चितता भी उसमें एक पॉइंट है, पेमेंट के डिफॉल्ट होने का भी पॉइंट है, पाकिस्तान के रुपए का वोलेटाइल होना मतलब दाम घटता बढ़ता रहता है उसका, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी कम होता चला जा रहा है, टैक्स चाइनीज कंपनियों पे जो पाकिस्तान के द्वारा लगाया जाता है वो भी बहुत हाई है, प्रोजेक्ट में डिले हो रहे हैं और चाइनीज वायरस के लिए जो भी वहां पे प्रबंध किए गए हैं वो सही नहीं है, जिसके कारण चाइनीज कंपनियां चाइनीज सरकारी कंपनियां पाकिस्तान में काम करना नहीं चाह रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एक हाई रिस्क देश कहा है जहां पे खतरा है उनको बहुत ज्यादा। एक्चुअल में ये जो खतरा है वो बलूचिस्तान में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। मेरा यहां पर एक चीज कहना है चीन को कि तुम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो कि भारत का हिस्सा है वहां से प्रोजेक्ट लेकर जाओ और वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, ऐसा क्या भारत होने देगा? कभी नहीं होने देगा। वो लोग जो सुन रहे होंगे कि भाई अरे ये तो सीधे सीधे बोल रहा है, ये तो भारत की तरफ से बलूचिस्तान में ये सब चीजें करवाया जा रहा है, मेरा वो मतलब नहीं है, पर सभी देशों की कूटनीति होती है, ये भी भारत की एक कूटनीति है। वहीं अगर बात की जाए बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अभी तक पाकिस्तान इनको झुटलाता आया है और इनके देशवासी भी इसको झुटलाते आए हैं, पर अब फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स या उनके मुताबिक ऐसे भटके हुए लीडर्स के साथ वो अब बात करेंगे और उन्हीं लीडर से बात करेंगे जो कि भारत के साथ बात नहीं कर रहे हैं या भारत से सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। भारत केवल मौखिक सपोर्ट करता है, वो भी जनता सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि हम वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है और ये सभी लोग, ये आगे चल के पता चल ही जाएगा, ये वहां के फ्रीडम फाइटर्स हैं और लोकल लीडर्स ही हैं जो पाकिस्तान की खिलाफत कर रहे हैं और अब पाकिस्तान उसको मान भी रहा है। अब उनकी जनता को भी मान लेना चाहिए कि इस तरह का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है वहां पे और ये केवल दिखावे वाली बात नहीं है, और हमारी जनता को भी पता चलना चाहिए कि अब उनकी जो गवर्नमेंट है ये मानने लगी है और उनसे बातचीत का रास्ता तलाश रही है। वो इसी कारण से कि चीन ने परेशान किया हुआ है कि तुम क्या यहाँ पर रायता फैला रखे हो, क्यों यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इसलिए अब उनकी सरकारें जागी हैं। वहीं चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों की ही बात की जाए तो चाइना का एक एयरक्राफ्ट है जिसको J-10 के नाम से जाना जाता है और चीन का रफाल कहा जाता है चीन के द्वारा। अब चीन का रफाल क्यों कहा जा रहा है ये अभी हम लोग थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे, पहले मेन खबर सुन लेते हैं। हमें ये पता है कि 2006 से 2009 से कई बार पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रयास कर चुका है, चीन से खरीदने का प्रयास कर चुका है। चीन कई कारणों की वजह से उनको नहीं देता था या प्राइस नेगोशिएशन में बात गड़बड़ हो जाती थी। चाइना को जो अपना है JF-17 जो बेचना था उनको, इसलिए ये उन्नत एयरक्राफ्ट उससे नहीं दे रहा था। अब हमने पिछले साल ये खबर सुनी थी कि नेगोशिएशन हो चुका है और इनको कुछ 30 एयरक्राफ्ट प्राप्त होंगे। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस साल में पाकिस्तान को चाइनीज J-10 एयरक्राफ्ट प्राप्त हो सकते हैं, 36 की संख्या में प्राप्त हो सकते हैं, 30 से ज्यादा संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। एक एक्सरसाइज की गई थी शाहीन एक्सरसाइज जो कि जनवरी 2021 में हुई थी पाकिस्तान और चीन के बीच में। उस समय ये जो J-10 है उसको राफेल की तरह से सिमुलेट किया गया था और J-11 है उनका एयरक्राफ्ट जिसको कि SU-30 की तरह सिमुलेट किया गया था। ये दोनों ही भारत के विमान की तरह उनको सिमुलेट किया जा रहा था और
उनको मार गिराने या उनको डिटेक्ट करने या उनको लॉक करने का जो तरीका है वो पाकिस्तान सीख रहा था या चीन सीख रहा था। तो एक तरह से चीन इस एयरक्राफ्ट को अपना रफेल की तरह से प्रोजेक्ट करता है। उनका यह भी कहना है कि ये रफेल की तरह दिखने वाला है, इसमें एशा रडार है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन उतना ही है, इसका एरोडायनेमिक्स वैसा ही है। तो क्या किसी एयरक्राफ्ट में कनाड लगा दिया जाए और तो वो रफेल के बराबर हो जाएगा या यूरोफाइटर टाइपून के बराबर हो जाएगा? इनका जो ये एयरक्राफ्ट है J-10 वो खुद ही इजरायली एयरक्राफ्ट की कॉपी है जिसका डिजाइन उन्होंने खरीदा था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। ये वीडियो मैंने बना रखी है इजरायली कौन सा एयरक्राफ्ट था और किस प्रकार से उनको इसकी टेक्नोलॉजी मिली और जिसको उन्होंने J-10 बनाया, ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध हैं। तो चीन तो इस तरह की बातें ना ही करे कि उनका रफेल है ये, और पाकिस्तान तो इसको रफेल एयरक्राफ्ट ही समझ के ले रहा है। वैसे उनको कोई और देश एयरक्राफ्ट देने वाला नहीं है, चीन ही है जो उनको देगा। तो थोड़ा आत्मसंतुष्टि के लिए वो रफेल एयरक्राफ्ट लेना चाह रहे हैं उनसे, तो वो उनको 2021 में प्राप्त होने लगेगा। वहीं कूटनीति की बात करें तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध होने वाला है। तालिबान ने आधे से अधिक डिस्ट्रिक्ट, देश के आधे से अधिक डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं अफगानिस्तानी फोर्सेस हथियारों की कमी के कारण इधर उधर भाग रही है, तजिकिस्तान में भाग रही है, और हमने इस प्रकार के 1000 सैनिकों के भागने की खबर सुनी थी, रिफ्यूजी होने की खबर सुनी थी। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में आज तेहरान में ईरान में मीटिंग हुई। ये सीक्रेट मीटिंग हुई है और उनके फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको लीड किया है और आपस में सुलह कराने की बात कही है। यहां पर एक चीज ये भी गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि भारत तालिबान के साथ बात क्यों करने जा रहा है। उनका सस्ता सलमान खान, उनका सस्ता तेरे नाम ये कह रहा था कि किस मुंह से भारत तालिबान से बात कर रहा है, जब दोहा में बात हुई थी कुछ दिनों पहले। उनका ये कहना था कि बात नहीं बनी और भारत को कोई उन्होंने मुंह नहीं लगाया, तालिबानों ने मुंह नहीं लगाया। तो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब रशिया की यात्रा पे जा रहे हैं तो आज वो तेहरान में रुके, और ये माना जा रहा है, ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि तेहरान में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का रुकना तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बात करना, ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है, और इसके बाद की जो बातचीत है वो अब रशिया में जाके होगी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। तो उधर चाइना और पाकिस्तान अपनी गणित में लगे हुए हैं, भारत अपने जो गुर्गे हैं, अपनी जो गोटियां हैं वो फिट करने में लगा हुआ है इस अफगानिस्तान में जो अब वॉर होने वाली है, गृह युद्ध होने वाला है उसमें। यही गृह युद्ध से बात की जाए तो जो गृह युद्ध होने वाला है उसमें एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान में 500,000 शरणार्थी, 500,000 रिफ्यूजी, अफगानिस्तानी रिफ्यूजी जा सकते हैं। पाकिस्तान ये अब सोच रहा है कि उनको रिहायशी इलाकों में न बसा के सीमावर्ती इलाकों में बसाया जाएगा। इससे पहले बहुत अंदर तक जो अफगानिस्तान के लोग हैं रिफ्यूजी की तरह बस गए और पाकिस्तान के नागरिक ही बन गए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक पड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से उनको सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।